गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPCS 188 सामाजिक मनोविज्ञान के चैप्टर नंबर हमारा 6 क्या रहेगा, सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग एवं ज्ञान, इसमें जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट रहेगा 6.2 क्या रहेगा, अभिवृत्ति का अर्थ और परिभाषा, ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो हमारा रहेगा 6.3 अभिव्यक्ति की संरचना, अभिव्यक्ति के प्रकार, और ये जो सारे पॉइंट हैं यानी अभिवृत्ति क्या, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसकी संरचना, उसके प्रकार क्या हैं, ये सारी चीज़ें करें हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम यहाँ विस्तार से डीपली से, उसके बाद जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या जो आ सकता है, उसके बाद जैसे क्या सामाजिकरण है और समूह और समूह प्रक्रिया क्या है, ये दो जो हैं 6.10 और 6.11 जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सामाजिकरण क्या है, समूह और सामूहिक प्रक्रिया क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूसरा, इसमें जैसे मैंने बोला है कि आपको अभी वृत्ति की संरचना और अभिव्यक्ति के प्रकार, तो आज अगर मैं आपको अगर बोलूं तो आज हम ना इन पॉइंटों को यानी अभिवृत्ति के अर्थ, इन पॉइंटों को इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम क्या करेंगे डीपली से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे समाजीकरण और समूह और सामूहिक प्रक्रिया क्या है इसके बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी क्या रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखिए क्या है अभिवृत्ति का अर्थ एवं परिभाषा। हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अभिवृत्ति शब्द का प्रयोग कई परिस्थितियों में करते हैं, यानी हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें जो है क्या है अभिवृत्ति शब्द का प्रयोग क्या करता है हम लगभग करते ही रहते हैं। समाज मनोविज्ञान में अभिवृत्ति को थोड़ा निम्न रूप से परिभाषित, जो समाज मनोविज्ञान है उसमें अभिवृत्ति को थोड़ा निम्न यानी कम करके उसको क्या परिभाषित किया है, यानी समाज मनोविज्ञान जो है वह अभिवृत्ति को थोड़ा कम करके क्या करता है परिभाषित करता है। गोल्ड गार्डन ओपन पोर्ट ने अभिवृत्ति को इस तरह से परिभाषित किया है कि मानसिक एवं तंत्रिका तत्परता तथा अनुभव के आधार पर संगठन धारणा किसी परिस्थिति वस्तु और संगठन व्यक्तियों की प्रक्रिया को प्रभावित या निर्देशित करना, यानी जब हम किसी को मानसिक स्तर के आधार पर, ठीक है, मानसिक और तंत्रिका तंत्र के आधार पर, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि मानसिक और तंत्रिका तत्परता तथा अनुभव के आधार पर जब हम उसे किसी धारणा को क्या करते हैं धारणा को संगठित धारणा को किसी वस्तु या कह सकते हैं कोई वस्तु है परिस्थिति है या उसके आधार पर हम क्या करते हैं अनुभव को क्या करते हैं प्रतिक्रियाओं को प्रभावित या निर्देशित किया जाता है। जब किसी व्यक्ति के वस्तु है संगठन है धारणा है अनुभव उनको क्या किया जाता है प्रभावित या नियंत्रित निर्देशित किया जाता है। कई समाज मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति को भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया, यानी कई सामाजिक मनोविज्ञान जो विज्ञानी जो हैं उन्होंने अभिवृत्ति को क्या किया है कई रूपों में उन्होंने क्या किया है उसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसे सबसे पहले गार्डन ओपल पोर्ड ने द्वारा की गई परिभाषा तो अभी तक व्यक्त रूप की समझी गई, यानी यहाँ जो गार्डन है इन्होंने सबसे पहले अभिवृत्ति को क्या किया था परिभाषित किया था और व्यापक रूप में इस चीज़ को समझाया था। यह परिभाषा अभिवृत्ति के तीन पहलुओं पर प्रकाश डालता है। पहला क्या है ओल पोर्ड के अनुसार दृष्टिकोण मानसिकता और तंत्रिका तत्परता, यानी जो हमारा दृष्टिकोण है भैया हमारा जो नज़रिया है हमारी जो मानसिकता होती है जो हमारा तंत्रिका तत्परता होती के रूप में यह इस धारणा पर इस पर बल डालती है कि अभिवृत्ति पूर्णतया व्यक्तिगत है, यानी जो अभिव्यक्ति है ये क्या है भैया अभिवृत्ति है जो है पूर्णतः व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं यानी व्यक्तिगत आधार होता है व्यक्तिगत होती हैं, अतः अभिवृत्ति को दूसरे व्यक्तियों द्वारा आसानी से प्रेक्षण के द्वारा नहीं समझा जा सकता, यानी जो अभिवृत्ति है वह पर्सनल होती है पर्सनल व्यवहार होता है पर्सनल वस्तुओं के अनुसार आपका थिंकिंग क्या है सोच क्या है नज़रिया के व्यवहार क्या होती है, लेकिन जो अभिवृत्ति है वह दूसरे व्यक्तियों के जरिए किसी अन्य भैया आप में जो अभिवृत्ति है आपका सोच कैसा आपका माइंड सेट कैसा आपकी दृष्टिकोण कैसा वक्तियों के उसको दूसरे व्यक्ति क्या करता है उसको प्रेक्षण के जरिए समझ नहीं सकता है। समाज मनोविज्ञान उपकरण में किसी वस्तुओं को अभिवृत्ति के मापन का दावा करता है, यानी जो समाज मनोविज्ञान है वह उपकरण के द्वारा यानी किसी उपकरण के द्वारा किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति को मापने का क्या करता है दावा करता है यानी कहता है कि हम इसको माप लेंगे। दूसरा क्या है यहाँ पर देखिएगा यह परिभाषा इस बात पर बल डालती है कि अभिवृत्ति को अनुभव के आधार पर संगठित किया जाता है। दूसरा क्या कहता है यह परिभाषा यह बताती है अभिवृत्ति को अनुभव के आधार पर इकट्ठा कर सकते हैं। यह कथन इंगित करता है कि
जो भी हम अभिव्यक्ति व्यक्तियों, वस्तुओं, मुद्दे, घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में बनाते हैं, वह सब हमारे परिवार हो, सहकर्मी हो या समाज में पूर्व अनुभवों के आधार पर, यानी जो हम अपने रिलेशन बनाते हैं, ठीक, यहाँ क्या कह रहे हैं, अभिव्यक्ति व्यक्तियों में जैसे वस्तु हो, मुद्दा हो, घटना हो, परिस्थिति हो, अब के बारे में बनती है, वह हमारे परिवार हैं या संबंधी हैं, सहकर्मी हैं, समाज है, उसकी पूर्व अनुभव के आधार, यानी जो हमारे भैया रिलेशन बनते हैं या जो एक व्यक्ति का जो कोई मुद्दा हो, हमारे जीवन में कोई मुद्दा हो, कोई घटना हो, कोई विचार हो, वो क्या होता है, पहले की जैसे परिस्थितियां रहेगी उन घटनाओं के आधार पर हमारी चीज़ें बनती हैं। तीसरा, इस परिभाषा के अनुसार अभिवृत्ति वस्तुओं या परिस्थितियों के लिए व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करते हैं, यानी जो अभिवृत्ति क्या है, इस परिभाषा के अनुसार जो अभिवृत्ति है वस्तुओं और परिस्थितियों के लिए व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को क्या करती है, निर्देशित करती है, यानी उसको दिशा निर्देश देती है और एवं ज्ञानात्मक रूप से प्रभावित करती है, उसको क्या करती है, उसको निर्देशित करती है एवं ज्ञानात्मक रूप से उसे क्या करती है, यह प्रभावित करता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा अभिवृत्ति किसी के लिए मात्र हमारी संभावना नहीं, भावना नहीं है, यानी हमारा जो अभिव्यक्ति है वो किसी के लिए मात्र हमारी भावना नहीं है, अपितु वह उन व्यक्तियों के लिए हमारी भविष्य की प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित करें, यानी सिर्फ हमारी किसी की भावना नहीं थी बल्कि हमारी जो भविष्य में क्या होती है, हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको भी क्या करता है, प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे अभिवृत्ति की रचना, ठीक है, अगला हम पॉइंट 6.3 कर रहे हैं, अभिवृत्ति की रचना। अभिवृत्ति तीन घटकों से मिलकर बनता है, पहला क्या है, ज्ञानात्मक घटक, भावनात्मक, व्यवहारिक। पहला हमारा कौन सा घटक है, ज्ञानात्मक घटक। ज्ञानात्मक घटक से अर्थ है अभिवृत्त के विश्वास एवं विचार प्रक्रिया के पहलुओं से ही, अभिवृत्त का ज्ञानात्मक पहलू हमारे सूचना प्राक्रम में प्रक्रिया को निर्देशित करता है, यानी जो अभिवृत्त है उसमें जो ज्ञानात्मक घटक को बताता भैया विश्वास और विचार से, विश्वास और विचार से क्या होता है, ज्ञानात्मक पहलू क्या होते हैं हमारे, उसके जो पदक्रम हमारे प्रक्रियाओं को क्या करता हो, निर्देशित करता है। पहली अवस्था में अगर बात करें, पहली अवस्था में किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति या वस्तुओं के बारे में अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं, यानी किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, वस्तु के बारे में क्या करते हैं, अभिवृत्ति उसका क्या करता है, निर्माण करता है। एक बार अभिवृत्ति बनने के पश्चात हमारा इसका उपयोग वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं में कोटिंग या संचय करते हैं, यानी जब अभिवृत्त क्या करता है, जब हमारे विश्वास है हमारी कोई प्रक्रिया, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम अपने अनुभवों के द्वारा, विचार के जरिए उसको कर सकते हैं, कोडिंग का मतलब होता है उसको हम समझ सकते हैं, यानी समझने का प्रयास किया जाता है। ये कह रहे हैं ज्ञानात्मक जरिए कि हम जो अभिवृत्त है उसको हम क्या कर सकते हैं, विश्वास और विचारों के जरिए हम उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला भावनात्मक घटक क्या है, अगला देखिएगा, भावनात्मक घटक अभिवृत्ति के साथ सकारात्मक और या नकारात्मक भावना से जुड़ा होना चाहिए, यानी जो भावनात्मक घटक क्या कहता है, भावनात्मक घटक कहता है अभिवृत्ति के साथ सकारात्मक या नकारात्मक भावना से जुड़ा होता है, जिसमें भावनात्मक प्रक्रिया सुखद या दुखद भावों को आहार का अनुभव देती है, यानी इसमें भावनात्मक क्या था, चाहे हमारी सकारात्मक चाहे नकारात्मक भावना होगी, जुड़ा उससे जुड़ा होना है, जिसमें भावनात्मक प्रक्रिया क्या सुखद या दुखद आधार अनुभव देती है। अगला हमारा करेगा व्यवहारिक घटक क्या है, ठीक है, अगला हम देखेंगे हमारा व्यवहारिक घटक क्या है। अभिवृत्त के व्यवहारिक घटकों से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अपने एक अभिवृत्त के आधार पर निश्चित व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं करता है, यानी कोई व्यक्ति होता है उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो अभिवृत्ति होती है, उसके आधार पर वह तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं करता है। हम सभी अपने अभिवृत्ति के आधार पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में व्यवहार, यानी हम सभी लोग क्या होते हैं, अपनी आदत के अनुसार भैया क्या करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में क्या करते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं। यद्यपि यह तीनों घटक भिन्न हैं, लेकिन तीनों घटकों को संगठित और पारस्परिक संबंध रख करके अभिवृत्ति दर्शाते हैं। जैसे कि तीनों घटक एक साथ निश्चित अभिव्यक्ति से संबंधित होते हैं, तब इनमें परस्पर समन्वय होता है, यानी जब तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, इसमें परस्पर समन्वय होता है। यदि एक व्यक्ति पोलोथीन के लिए नकारात्मक अभिवृत्ति रखता है, तो वह व्यक्ति पोलोथीन बैग के लिए नकारात्मक विचार रखेगा एवं नकारात्मक विचारों को पुष्ट करने के लिए जानकारी एकत्र करेगा कि पोलोथीन बैग वातावरण के लिए कितना खतरनाक है। इसके पश्चात वह व्यक्ति पोलीथीन बैग के लिए नकारात्मक भाव रखते हुए पोलीथीन बैग को पसंद नहीं करेगा। इसके बाद वह व्यक्ति क्या करेगा, स्वयं को पोलीथीन बैग का उपयोग नहीं करेगा। उदाहरण के लिए इन तीनों घटकों में समन्वय है, अभिव्यक्त में प्रत्येक घटक अन्य दो घटकों से प्रभावित होते हैं। अभिव्यक्त यह प्रक्रिया है जिसमें गतन, देखो अभिव्यक्त का मतलब कि हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो सोच है ना किसी चीज़ के प्रति अगर बन जाती है ना, क्या करें भैया,
कि हमारी जो सोच है, अगर हमारी सोच किसी चीज़ के प्रति बन जाती है नकारात्मक है, ये सही नहीं है, तो हम उसके नेगेटिव पॉइंट को ही दिखाएंगे या वही गलत है उसको गलत साबित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा कहता है, अगर हमारी किसी चीज़ के प्रति हमारा नज़रिया बन गया बहुत सही है बहुत अच्छा, मान लो कोई लड़का है आपके मन में आके बहुत सही लड़का है, तो उसको आप सही या जायज़ ठहराने के लिए तमाम तरह की चीज़ों को करोगे उसको, कि अगर वो भाई मेरे उसको सही और जायज़ ठहराने के लिए क्या करोगे आप तमाम तरह की चीज़ों को प्रयास करोगे। जैसे यहाँ पर पॉलीथीन बैग का उदाहरण दिया गया, जब हमें कोई पॉलीथीन जो बैग है हमने उसको मान लिया कि भैया वो सही नहीं है, तो उसको हम जानकारी इकट्ठा करें, उसको हम गलत साबित करें कि पॉलीथीन सही नहीं, कि भाई पर्यावरण के हानिकारक है या इसका रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार की व्यक्ति जानकारी इकट्ठा करें और पॉलीथीन बैग को पसंद, यानी हमारे मन में किसी चीज़ के प्रति जो विचार आ जाता है जो विश्वास आ जाता है उन विश्वासों को हम ज़्यादातर क्या करते हैं पुष्ट करते चले जाते हैं, यानी उन पर हम संशोधन और पुनर्विचार करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अभिवृत्त के प्रकार। आगे देखिएगा, सामान्यतः हम अपने अभिवृत्त को अपनी इच्छाएं को अपनी इच्छा अनुसार प्रदर्शित करते हैं, यानी जो सामान्यतः जो अभिवृत्त होता है हमारे इच्छा अनुसार प्रदर्शित होता है। हम अपने अभिवृत्त को अपने व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव से परिचित हैं, यानी जो हमारा अभिवृत्त है हमारे ऊपर जो पड़ने वाला प्रभाव उससे क्या होता है परिचित है। ऐसे अभिवृत्त को हम अस्पष्ट या प्रकट अभिवृत्त कहते हैं, यानी ऐसे अभिवृत्त को हम क्या कहते हैं अस्पष्ट या प्रकट अभिवृत्त कहते हैं। अस्पष्ट या प्रकट अभिवृत्त कार्य हमारी चेतना में क्या करते हैं रहते हैं, जिससे हमारी अभिव्यक्ति की ज्ञानात्मक प्रक्रिया में उनके व्यवहारों पर प्रकट। देखो क्या था, अगर हमारी कोई आदत है ठीक है वो हमारे क्या रहते हैं भैया दिमाग में रहते हैं, हम क्या करते हैं उसी प्रकार से क्या कर सकते हैं अपना अनुभव करते हैं, यानी उसके आधार पर हम क्या करेंगे व्यवहार करेंगे। अस्पष्ट या प्रकट अभिवृत्ति इच्छित मूल्यांकन द्वारा निर्देशित, यानी जो अस्पष्ट होते हैं प्रकट अभिवृत्ति होती है वह क्या होती है इच्छित मूल्यांकन द्वारा। उदाहरण के लिए हम किसी टूथपेस्ट के बारे में अभिवृत्ति से परिचित हैं, यानी इसका व्यवहार कैसे उससे परिचित हैं, इस अभिवृत्ति के अनुसार क्या होगा कि हमें खरीदने व ना खरीदने का निर्णय करेंगे। अस्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्ति में अचेतन स्तर को व्यक्ति जो अस्पष्ट दृष्टिकोण होगा आपका जो अचेतन है उसको क्रियात्मकता क्रियाशील होता है, और यह अस्पष्ट और प्रकट अभिवृत्ति पूर्ण रूप से भिन्न है। अस्पष्ट अभिवृत्ति स्वतः मूल्यांकन से निर्देशित होती है, यानी जो अस्पष्ट अभिवृत्ति है क्या है वह स्वतः मूल्यांकन से क्या होती है स्वतः मूल्यांकन से निर्देशित है होता है, और हम इस प्रक्रिया से परिचित नहीं, यानी जो अगर अस्पष्ट जो अभिवृत्ति है क्या है वह स्वतः मूल्यांकन यानी स्वयं मूल्यांकन से निर्देश की जाती है और जिससे हम प्रक्रिया से परिचित नहीं है। अतः अस्पष्ट अभिवृत्ति अवचेतन स्तर पर स्वतः ही हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में ना हमें पता होता है तो उसके चीज़ के बारे में हमारा जो विचार होता है बन जाता है, विचार जल्दी बदलता नहीं। अगर किसी चीज़ के बारे में हम जानते नहीं तो उसके बारे में क्या होता है हमारा विचार बन सकता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं या जिसकी हम उसकी अभिवृत्ति है नहीं उसका व्यवहार ऐसा है उसकी थिंकिंग ऐसे है भैया उसका सोच वैसा है, अगर हम जानते हैं तो उस चीज़ के प्रति हमारा जो व्यवहार जो नज़रिया होगा वह बदलेगा नहीं जल्दी। यह माना जाता है कि जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए नया अभिवृत्ति बनाते हैं तो हम उसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बनाया गया अभिवृत्ति समाप्त कर देते हैं, यानी जब हम किसी व्यक्ति के बारे में नए विचार बनाएंगे भैया ये तो ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में नई विचार नया विश्वास बनाते हैं तो उसके पूर्व में जो विचार होते हैं उनको पूरी तरीके से क्या कर देते ख़त्म कर देते हैं। विल्सन्ड या स्कूलर ने दुई अभिवृत्ति से संपादित का प्रतिपादन किया, जिनके अनुसार व्यक्तियों को नया अभिवृत्ति बनाते वक्त पूर्व में अभिवृत्ति को समाप्त नहीं करता है बल्कि दोनों अभिवृत्ति को एक क्या करता है ये जो दोनों अभिवृत्ति है उनको क्या करता है एक जो होता है एक साथ रखता है। नया अभिवृत्ति प्रकट या स्पष्ट अभिवृत्ति के रूप में रहता है और पूर्व का अभिवृत्ति अस्पष्ट अभिवृत्ति के रूप में रहता है। पेटी टोरेमाल बिनन ये जितने क्या थिंकर हैं ने कई परिस्थितियों में यह दर्शाया है कि जब अस्पष्ट अभिवृत्ति को उसके अनुरूप परिस्थितियों में मिलती है तो अवचेतन पर अस्पष्ट अभिवृत्ति का व्यवहार करते परिलक्षित हो। देखो ये क्या कह रहे हैं एक मैं देखो समझने की कोशिश कीजिए, ये कह रहे हैं कि जब कोई अभिवृत्ति होती है ना तो अब जिस चीज़ के बारे में हमारा जो माइंड सेट बन गया कि वो वैसे वैसे है तो हमारा विचार वैसे रहेगा, लेकिन अगर हम किसी चीज़ के बारे में अपने विचार को बदलते हैं अपने व्यवहार यानी उसके चीज़ के प्रति हमारा जो नज़रिया जो सोच है जब उसको बदलेंगे तो पुरानी जो चीज़ के बारे में सोच रहेगी जो नज़रिया रहेगा वो पूरी तरह से क्या होगा भाई बदल जाएगा,
अभिवृत्ति का मतलब होता है कि उसका नेचर कैसे का व्यवहार किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे हमने कोई धारणा बना ली है। अगर किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग क्या करते हैं, कोई धारणा बना लेते हैं, तो उस धारणा को बदलना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन जब हम नई अभिवृत्ति बनाएंगे किसी चीज़ के बारे में, किसी बारे में नई अभिव्यक्ति बनेगी, तो पुरानी जो अभिवृत्ति होती है, पुरानी जो धारणा, पुराना जो विचार है उस चीज़ के प्रति, उस वस्तु के प्रति, वह पूरी तरीके से क्या होगा, उसको हमें समाप्त करना पड़ेगा। जब तक हम पुरानी अभिवृत्ति को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जो हमारी नई अभिवृत्ति होगी, यानी जो नई अवधारणा होती है, उसको बनाया नहीं जा सकता। यही चीज यहां पर बताई जा रही है। ठीक है, अगला हम देखेंगे अभिवृत्ति के प्रकार। अगला हमारा क्या है, अभिवृत्ति के प्रकार, यानी कौन कौन से इसके प्रकार हैं। अभिवृत्ति का विकास सीखने पर निर्भर करता है, यानी अभिवृत्ति का जो डेवलप होता है, क्या होता है, जब हम चीजों को सीखते हैं, जो हमारे पूरे जीवन में रहता है। कई बार अभिवृत्ति व्यक्तियों को आत्मा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। कई बार जो अभिवृत्ति होती है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगी। कर्ट्स के अनुसार व्यक्ति के लिए अभिवृत्ति के कई कार्य होते हैं, यानी मनुष्य के लिए जो अभिवृत्ति है उसके कई कार्य या प्रकार हैं। अनुकूलनीय एवं सहायक कार्य, किसी उद्देश्य, लक्ष्य या व्यवहार के बाद पुरस्कार मिलने से व्यक्ति अनुकूल अभिव्यक्ति को विकसित कर लेगा। जब आपको, आपने कोई काम किया है, ठीक है, आपको पुरस्कार दिया गया है या आपकी शाबाशी दी गई है, तो आपकी जो अभिवृत्ति होगी, यानी जो आपको, आपका जो सोच है, जो माइंडसेट है, जो आपका व्यवहार है, उसको विकसित करेगा। जब उद्देश्य, लक्ष्य या व्यवहार के बाद दंड मिलने से प्रतिफल अभिव्यक्ति विकसित है, यानी उसके विपरीत होगी। भाई आपने कोई काम किया, आपको दंड दिया, सजा दी गई है, तो क्या होगा, आपके आपके मन में क्या है, प्रतिफल अभिवृत्ति का विकास करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति सामाजिक स्वीकार, विचारों, मतों और अभिवृत्ति को सीखता है। अभिवृत्ति के विकसित होने के बाद हमें वस्तुओं या व्यक्तियों के मूल्यांकन का उचित माध्यम मिल जाता है। यानी अभिवृत्ति के विकसित होने के बाद क्या होता है, हमें वस्तुओं, जो वस्तु जो है, जो व्यक्ति है, उनके मूल्यांकन का मिल जाता है, अधिक माध्यम मिल जाता है। एक छात्र स्कूली अनुशासन के प्रति उचित एवं अनुकूलनीय अभिव्यक्ति इसलिए दिखा सकता है क्योंकि उसे ऐसा करने के पर पुरस्कार या प्रशंसा मिलती है। यानी कोई छात्र जो होता है वह अनुकूलनीय और यानी अच्छा व्यवहार इसलिए करता है कि उसको पता चल जाता है कि उसको, या अगर इस प्रकार का व्यवहार करेगा तो प्रशंसा, देखो जब हम कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है ना, तो उसको प्रशंसा मिलती है, तो हम भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, यानी अनुकूलनीय और सहायक कार्य होते हैं। यानी अभिव्यक्ति को क्या है भैया, इसको सीखा जा सकता है या अनुकूलनीय है इसको। ज्ञानात्मक प्रकार क्या होता है, अगला हमारा क्या है, ज्ञानात्मक प्रकार। अभिवृत्ति के इस प्रकार से हमें विभिन्न सामाजिक कारकों जैसे व्यक्ति, छटना या परिस्थिति के बारे में जानकारी है, हमें सामाजिक संसार को समझने एवं व्याख्या करने में मदद करती है। विभिन्न वर्गों के बारे में हमारा अभिवृत्त सामाजिक दुनिया एवं इसके सदस्यों के बारे में अनुमान लगाने में सहायता करता है। किसी विशेष वर्ग के लिए हमारे रूढ़िबद्ध एवं पक्षपातपूर्ण विचार हमारे अभिवृत्ति के प्रकार को उदाहरण है। ऐसे अभिवृत्ति के विलक्षण कार्य से हमें उस वर्ग के व्यक्तियों के व्यवहार के बारे में बिना प्रयास किए अनुमान लगाने में मदद। यानी क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में क्या कर सकते हैं, पहले से उसके बारे में क्या हो सकता है, अनुमान लगा सकता है। यानी इसमें जब क्या, जैसे रूढ़िबद्ध कोई, मान लो अगर कोई किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है या किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि भैया उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका अनुमान लगा सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जैसे व्यवहार करेगा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसका ज्ञानात्मक प्रकार, यानी उसकी सोच कैसे, उनकी मेंटेलिटी कैसे है, उसकी विचारधारा कैसे है, उसको भी हम सोच सकते हैं या उसको भी जाना जा सकता है। अगला जो हमारा रहेगा, आत्मबोधक कार्य। अभिवृत्ति आत्म मूल्य की व्याख्या, पोषण और संवर्धन करते हैं। यानी जो आत्म अभिवृत्ति होती है क्या करती है, हमारी चीज़ों की व्याख्या करती है मूल्यों की, और उसका पोषण और संवर्धन यानी इसको बढ़ाती है। कई दृष्टिकोण अभिवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों के मूल्यों को दर्शाते हैं और उनकी आत्म छवि को बढ़ाते हैं। यानी कई अभिवृत्ति रखने वाले मूल्य ऐसे क्या हैं, हमारी जो आत्म छवि है उसको बढ़ाते हैं, उसको दर्शाते हैं। कुछ अभिवृत्ति व्यक्तियों को किसी निश्चित समूह के साथ पहचान को दर्शाते हैं। अभिवृत्ति का यह कार्य दो स्तरों पर, यानी अभिवृत्ति का जो कार्य है वह दो स्तरों पर कार्य करता है। पहला, हमारे मुख्य पहलू हमारे द्वारा विकसित किए गए अभिवृत्ति से परिलक्षित होता है। यूं हमारा अभिवृत्ति सामाजिक संदर्भ में हमारे व्यवहार से क्या होती है, परिलक्षित होती है। इसलिए हमें अपनी अभिव्यक्ति में आत्म अवधारणा के समान विकसित, यानी क्या होती है, जो अभिव्यक्ति है वो आत्मबोध,
यानी हमें किसी चीज़ को लेकर के अगर गिल्ट फील होता है या अगर उससे हमें होता है कि भाई हमने सही काम नहीं किया है, सही व्यवहार नहीं किया है, गलत व्यवहार किया है, तो क्या होता है कि हमें आत्मबोध होगा और अपनी हमारी जो कार्य होंगे उसमें परिवर्तन भी आ सकता है। ईगो रक्षक कार्य क्या होता है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा ईगो रक्षक कार्य, देखिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ईगो रक्षक कार्य देखो, अभिवृत्त के ईगो रक्षक कार्यों में हमें हमारे सम्मान की रक्षा करने में मदद करता है। कई बार हमें अंदरूनी गुलामी की भावना या हमें निर्णयों को उचित ठहराने के लिए अभिवृत्ति इस कार्य में मदद करता है। अभिवृत्ति के यह प्रकार मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत रक्षा प्रक्रमों का उपयोग करता है। यानी अगर किसी चीज़ को हमें क्या करनी भाई, हमारा जो ईगो होता है यानी किसी का व्यवहार ना गुलामी करना, चमचा करना या चापलूसी करना, इस प्रकार का व्यवहार आ जाता है, यानी इसको ईगो रक्षक कार्य में भी मदद करता है। यानी किसी व्यक्ति के मन में कई बार ईगो आ जाता है कि भाई हम क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, ईगो बदलने में क्या करता, मदद करता है। अभिवृत्ति का यह प्रकार मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की अंतर्गत रक्षा प्रक्रमों का उपयोग करता है। ये रक्षा प्रक्रम जैसे दमन, युक्तिकरण, विखंडन, प्रेक्षण आदि मनोवैज्ञानिक गतिविधियों को हावी होने से व्यक्तियों का बचाव करते हैं। उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी मैच हारने के बाद अपने आप को हार की गलती से बचाने के लिए मैच रेफरी के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर लेगा। यानी क्या होता है कि जब मान लीजिए जैसे कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता ना, तो अपनी गलती नहीं बताएगा, बताएगा कि टीचर ने गलत काम किया है या मैं तो बहुत अच्छा लिख करके आया था, मास्टर ने गलत मार्क। यानी क्या होता है कि हम अपनी गलती नहीं बताते हैं। जैसे यहाँ पर कोई क्या खिलाड़ी अगर मैच हार जाता है तो वह अपने आप की गलती से बचने के लिए क्या करता है, मैच का जो रेफरी होगा यानी जो मैच का रेफरी होगा उसको क्या, उसके प्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति यानी विचार है। यानी अभिव्यक्ति का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति, किसी वस्तु के प्रति जो हमारा विचार है, जो हमारा व्यवहार है, उसको क्या बोलते हैं, अभिवृत्ति। उसको हम क्या कर लेंगे, विकसित कर लेगा। ठीक है, आगे देखेंगे अभिवृत्ति निर्माण कैसे क्या होता है। अभिवृत्ति का निर्माण हमारे समाजीकरण के महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम भिन्न भिन्न प्रकृति और संयोजन से के अभिव्यक्ति का निर्माण सामाजिक संसार और विभिन्न संस्थाओं या घटनाओं के लिए करते हैं। ये अभिव्यक्ति हमारे व्यवहार में भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में परिलक्षित होते हैं। समाज मनोविज्ञान ने अभिव्यक्ति का निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन बहुत गहरे से, यानी जो समाज मनोविज्ञान है उसने जो अभिव्यक्ति है उसके निर्माण की प्रक्रिया को क्या क्या है, बहुत गहराई से, बहुत डीपली से उसको समझाने का प्रयास किया है। अतः समाज मनोविज्ञान इस बात पर बल डालता है कि सामाजिक क्या डालता है कि सामाजिक सीखने की प्रक्रिया है अभिव्यक्ति निर्माण पर केंद्रित है। यानी जो समाज है वह सीखने की प्रक्रिया पर होता है, अभिव्यक्ति क्या करती है, निर्माण पर केंद्रित है। हम उन अभिव्यक्ति को सही या गलत अनुभवों के आधार पर सीखते हैं जो दूसरे व्यक्तियों के प्रेक्षण द्वारा सीखते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति गलत या सही व्यवहार करता है तो उसका जो रिजल्ट होता है उन रिजल्ट के अनुसार क्या करते हैं, हम अपने व्यवहार में चेंज या परिवर्तन करने की चीज़ों को किया जाता है। ठीक है, हमारा जो 6 पॉइंट रहेगा, सबसे पहले क्या है, मात्र सक्षमता। ठीक है, इस बात मात्र सक्षमता इस बात पर बल डालता है कि वस्तु स्थिति भोजन और चित्रों आदि को देखने से उस तक पहुंचने से मात्र ही व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावना का विकास होता है। यानी मात्र क्षमता क्या होता है, जब हम कोई भाई वस्तु देखते हैं, कोई स्थिति देखते हैं, भोजन या चित्र देखते हैं, उससे क्या होता है, उस तक पहुंचने की हमारे अंदर क्या होती है, एक सकारात्मक भावना का विकास होता है। जोजक ने अध्ययन किया है जिसमें सहभागियों को निरर्थक अक्षरों और चाइनीज पात्रों को बार बार दिखाया गया, जिसमें सहभागियों में दोनों निरर्थक अक्षरों एवं चाइनीज पात्रों के बारे में सकारात्मक मूल्यांकन किया। अतः इस अर्थ में यह भी किया गया कि पहले से परिचित अवमानना या तिरस्कार को नहीं बढ़ाना। यानी पहले से अगर आपकी क्या होती भैया अवमानना होती या सकारात्मक चीज़ें रहेंगी तो आपकी अवमानना या तिरस्कार को नहीं बढ़ाता है। मुख्यतः यह क्रिया विधि विज्ञापन के सूत्र वाक्यों में झलकती है। यानी जो मुख्यतः जो विधि है विज्ञापन के सूत्रों में वाक्यों में झलकती है। बार बार एक ही तरह के विज्ञापनों को प्रस्तुत करने में विज्ञापनों को पसंद किया जाता है। इसके बाद पसंद करने वाले व्यक्ति संबंधित उत्पादन को खरीदना शुरू कर देता है। क्या होता है, कई बार जो विज्ञापन उसमें कई जैसे विज्ञापन की सूत्र लाइन होती है, पंच लाइनें जिसे कहते हैं, वो बार बार क्या होती है, बार बार झलकती है, जिससे व्यक्ति क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है या उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जिससे क्या होता है उस उत्पाद को खरीदना शुरू कर देता है। बोरस्टीन ने इस बात पर बल डाला है कि मात्र क्षमता अर्थात व्यक्तियों को कई बार या छेद्रिक किसी वस्तु या
परिस्थितियों से अवगत कराना लाभकारी होता है। यानी कई बार क्या होता है, व्यक्तियों को वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराना लाभकारी है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में बार बार उस व्यक्ति को किसी वस्तु या स्थिति के बारे में अवगत कराने से इसका प्रभाव कम होता है। यानी जब हम किसी व्यक्ति को बार बार किसी एक चीज़ के ओर ध्यान दिलाते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा उसको ध्यान नहीं देता है। एक बार याद ध्यान दिलाना होता है, लेकिन बार बार दिलाने से उसका प्रभाव कम होगा। बोरस्टीन ने 1989 में इस बात पर बल दिया है कि जब उत्तेजना सामान्य या सकारात्मक हो तो वस्तु या परिस्थिति को बार बार प्रस्तुत या पसंद करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यदि उत्तेजना पहले से नकारात्मक हो तब वस्तु या विचार को बार बार प्रस्तुत करने से नकारात्मक बढ़े। यानी जब यदि उत्तेजना पहले से नकारात्मक, मान लीजिए अगर किसी चीज़ के बारे में आपको वे विचार हैं या आपके जो उसके अनुभव हैं अच्छे नहीं हैं, तो उसको बार बार करने से याद करने से क्या होगा, आपकी नकारात्मकता बढ़ेगी। जितना कम याद करेंगे उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा, व्यक्तिगत अनुभव। देखिएगा, अभिवृत्ति विकास का अन्य प्रमुख तरीका प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव है। यानी अभिव्यक्ति विकास का जो अन्य प्रमुख तरीका क्या है, वह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव है। यानी हमें जो अभिव्यक्ति विकास, यानी आप अपने अंदर जो अनुभव करते हैं उसको हम व्यक्तिगत अनुभवों से भी सीख सकते हैं। एक मजबूत प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव एक मजबूत अभिवृत्ति का विकास करता है। एक प्रत्यक्ष जो मजबूत अनुभव होता है, एक मजबूत अभिवृत्त का विकास करता है। यह एक मजबूत अभिवृत्ति का विपरीत दिशा में परिवर्तित कर सकता है। उदाहरण के लिए हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराए जाने की घटना एक मजबूत नकारात्मक अभिवृत्ति का उदाहरण है। प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर विकसित अभिवृत्त मजबूत होता है एवं व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यक्ति अपने इस तरह के अभिवृत्ति को समर्थन देने के लिए सूचनाओं को खोजता है और इसके पश्चात वहाँ अभिवृत्ति में बदलाव के लिए कोई संभावना नहीं जाती। यानी जब हमारे अंदर ना कोई भावना बन जाती, कोई चीज़ बन जाती है, तो हम जल्दी इसको क्या होते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं। अगला है क्लासिकल अनुबंध। ठीक है, देखो, सामान्यतः हम इस अभिवृत्ति का निर्माण समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कहते हैं। यानी ये जो है क्लासिकल जो अनुबंध है, यह समाजीकरण प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। पल्लवल द्वारा प्रतिपादित क्लासिकल अनुबंध को सीखने का एकमात्र क्या है मुख्य क्रियाविधि है। जब सामान्य उद्दीपन को बार बार प्रकृति में उद्दीपन यानी के साथ साथ सुगमित किया जाता है, तब सामान्य उद्दीपन अकेला ही प्राणी प्रतिक्रिया को प्राप्त करता है। जो सामान्य प्रतिक्रिया से उद्दीपन को करता है, यूसेसार करता है। पावल लोवे ने एक प्रयोग किया जिसमें कुत्ते की घंटी की आवाज़ के लिए प्रतिक्रिया करना सिखाया गया। यह अधिक क्रियाविधि विज्ञापन देने वाले और उन विज्ञापन के बारे में मत, यानी क्या होता है कि हमारे बारे में जैसे हम कोई विज्ञापन देखते हैं, ऐड देखते हैं, तो उसके बारे में, खरीदने के बारे में या उसके बारे में हमारे जो मन में विचार होता है वह आता है, उसी को यहाँ पर बताया गया। यानी जब हमारा किसी, अगला जो क्रिया प्रसूति जो अनुबंध है, यानी ठीक है, क्रिया प्रसूति, देखो क्लासिकल अनुबंध साधारणतः अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं को विकसित करने की व्याख्या करने में योगदान देते हैं। यानी जो क्लासिकल अनुबंध होता है, जो साधारण अनैच्छिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसकी व्याख्या करने में क्या देता है, यह योगदान देता है। इस अनैच्छिक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण कुत्ते द्वारा आवाज़ के प्रति लार निकालना हो सकता है। इसके सामान्य अन्य उदाहरणों बच्चों के अंदर आवाज़ की सहायता से चूहे का डर विकसित करना, कई सीखे गए व्यवहार। यानी क्या होता है, कई बार हम करते हैं कि व्यक्ति को डराना सिखा देते हैं, भैया आ जाओ नहीं तो बिल्ली आ जाए, कुत्ते। यानी हम क्या करता है, जब किसी प्रतिक्रिया के द्वारा हम किसी व्यक्ति के अंदर में क्या करते हैं भाई, डर की अनुभूति कर देते हैं। यानी किसी, जैसे भाई बच्चे, छोटा बच्चा है, दूध नहीं पीता, तो बोलेंगे कि बिल्ली पी लेगी, कुत्ता पी लेगा, इस प्रकार की चीज़ें। जब कोई सोता नहीं तो बोलते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सो जाओ। यानी उसी को बोलते हैं क्रिया प्रसूति। यानी कोई क्रिया, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा जिसे तुम्हारे वो क्या होगा, बच्चा कर लेगा। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर किसी का डर दिखा करके हम जब परिणामों में क्या करते हैं, उत्पन्न यानी परिणाम उसको क्रियाशील बनाते हैं या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, उसी को क्रिया प्रसूति अनुबंध। वही क्रिया प्रसूति अनुबंध के बारे में यहाँ पर बताया गया है पूरी तरीके से। प्रेक्षण अधिगम क्या होता है, अगला जो हमारा रहेगा, प्रेक्षण अधिगम का मतलब होता है इस सामाजिक संसार में हम कई अभिवृत्ति का निर्माण पुरस्कार या दंड दोनों की अनुपस्थिति में करते हैं। चाहे हमें पुरस्कार मिले चाहे हमें दंड मिले, उसकी बिना किसी चीज़ों को, यानी प्रेरणात्मक, यानी जब हमें किसी चीज़ से प्रेरणा मिलती है ना, तो हम उसको करते हैं। कई बार हम अपने माता पिता या अपने साथियों की प्रेरणा करते हैं, वह किसी व्यक्ति के सामाजिक मुद्दे या समूह के बारे में निश्चित अभिवृत्ति रखते हैं। यह प्रक्रिया प्रेरणात्मक सीखना या मॉडलिंग कहलाती है, जिसमें हम व्यवहार को निश्चित दूसरे के संदर्भ में देख करके उसका अनुसरण, यानी किसी का व्यवहार कैसा है, किसी से हम प्रेरणा ला करके किसी के व्यवहारों को देख करके जब हम उसी तरह के बदलने की, ठीक है,
फुलर्टिंग ने 1954 के अनुसार सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक तुलना सिद्धांत इस बात पर बल डालता है कि अभिवृत्त निर्माण दूसरों की प्रेरणा करने और उसकी तुलना करने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। यानी जब हम किसी से दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, किसी से तुलना करते हैं, तो उस पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया में हमें अपने अभिवृत्ति की तुलना दूसरे व्यक्तियों के अभिवृत्ति से करने के पश्चात हम मानते हैं कि हमारा अभिवृत्त गलत है या सही है। यदि हम एक बार पाते हैं कि हमारा दृष्टिकोण दूसरे व्यक्तियों की अभिवृत्ति के समान है, तब हम अपने अभिवृत्ति को उचित समझते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आपके मन में जो विचार हैं, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के मन में भी उसी प्रकार का अगर विचार आता है तो हमें लगता है कि हमारे विचार अच्छे हैं, सही हैं। अगर आपके मन में कोई ख्याल आ रहा, सेम दूसरे व्यक्ति के मन में भी ख्याल आता, तो हमें लगता भैया हमारे अंदर जो ख्याल आ रहा है वो बिल्कुल सही है, क्या लगता है हमें बिल्कुल सही। लेकिन आप जिस प्रकार का सोच रहे हैं, कोई अन्य प्रकार का उसी चीज़ को नहीं सोच रहा, तो हमें लगता कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। यही बोला जाता है, ठीक है। अगर जेनेटिक क्या होता है, जेनेटिक कारक क्या होता है, देखो टेरस के अनुसार कुछ नए अध्ययन इस बात पर बल डालते हैं कि मजबूत अभिवृत्त जैसे कि पसंद या नापसंद आदि की उत्पत्ति जेनेटिक कारकों से होती है। टेरस ने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो दर्शाते हैं कि एकांडी जुड़ाव या भ्रांतीय जुड़ाव की बजाय अभिवृत्ति में अधिक समानता मिलती है। टेरस ने 1993 में यह पाया कि जुड़वा अलग अलग वातावरण में पले पोसे जाते हैं। यानी जो जुड़वा होते हैं भैया, एक समान जो होते हैं, वह क्या होते हैं, अलग अलग वातावरण में पाले या पोसे गए हैं, और जुड़वा समान वातावरण में पाले पोसे गए हैं। दोनों की अभिवृत्ति में सार्थक भिन्नता नहीं होगी। उपयुक्त परिणाम के आधार पर टेरस ने यह सुझाव दिया है कि अभिवृत्ति निर्माण जेनेटिक कारणों से पूरी तरह निर्भर करता है। इस प्रक्रिया से पहले से निश्चित अभिवृत्त निर्माण की प्रवृत्ति जन्मजात यानी शारीरिक संवेदी या ज्ञानात्मक कौशल पर निर्भर करेगी। यानी ये जो प्रवृत्ति होगी वो हमारी जो जन्मजात भाई जेनेटिक, जब जो व्यक्ति को बदलाव है, जो व्यक्ति का स्वभाव बदलता है, क्या हमारे जो जीन्स है या जेनेटिक उनके द्वारा प्रकृतियाँ बदलती है। जैसे दो लोगों का जीन जो है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों जो हैं अलग अलग जगहों पर पारे पोले उनका पालन पोषण किया गया है, क्या दोनों में अंतर दिखेगा? तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से उनका जो जेनेटिक है उसी पर निर्भर करता है, चाहे जिसी बच्चे का जन्म होता है। मान लो दो बच्चों का जेनेटिक एक है, लेकिन उनका पालन पोषण जो किया जा रहा अलग किया जा रहा, अलग एक वातावरण में नहीं रहते, लेकिन फिर भी उनमें क्या समानता देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके जो जेनेटिक हैं पूरी तरह के कारकों पर निर्भर करते हैं। इस प्रक्रिया में पहले से निश्चित अभिवृत्ति निर्माण की प्रवृत्ति जन्मजात है। यानी कोई भी हमारे अंदर जो अभिवृत्ति होती है वह का निर्माण करता है भैया जन्मजात होता है, शारीरिक संवेदी या ज्ञानात्मक कौशल पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति के स्वभाव या व्यक्तित्व के गुणों को, यानी जो व्यक्ति का स्वभाव है, जो गुण है, वह उसके क्या होता है भैया, उसके कई बार जन्मजात शारीरिक जो संरचना है या उसके जेनेटिक पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। कई बार उसके व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व के गुणों में भी क्या करती है, वह परिलक्षित करती है उसके जरिए। अगला जो हमारा पॉइंट है, तो यहाँ तो कर दिया। अगला जो हमारा जैसे है अभिवृत्ति एवं व्यवहारिक व्यवहार के बीच संबंध, यानी अभिवृत्ति जो होती है और व्यवहार जो होता है उसके बीच किस प्रकार का संबंध है, इसको हम देखेंगे, या किस प्रकार का संबंध है उसको देखेंगे। अगला जो पॉइंट है, जैसे अभिवृत्ति मत और विश्वास में भिन्नता, ये तीन जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 6.8 ना आप जरूर करके जाना, अभिवृत्ति मत विश्वास और भिन्नता, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसको अगली क्लास में मैं जरूर करवाऊंगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ क्या क्या करवाऊंगा। मानक और मानक निर्माण, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मानक और मानक निर्माण क्या होता है, इसको आपका ना सामाजिक क्या होता है इसको। अगला जो सामाजिकरण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिकरण मैं आपको जरूर करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा। सामाजिकरण क्या होता है, समूह और समूह प्रक्रिया क्या होती है, समूह और समूह प्रक्रिया क्या है, ये भी मैं आपको क्लियरिटी के साथ बताऊंगा, ये समूह और समूह प्रक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट जो क्लास होने वाली उसमें समूह और समूह प्रक्रिया और सामाजिकरण क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होनी, जो कल वाली क्लास होगी उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो मैं अगली क्लास में करवाऊँ उसका आपको नोटिफिकेशन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सभी वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर के उनकी भी क्लास को देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिया, उससे भी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।